हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर फरहान, आप भी जो है एक डायग्नोस्टिक सेंटर, यानी लाइक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन पाकिस्तान, तो आप किस तरह से फ्लड विक्टिम्स की मदद कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें जो है वो आप हेल्थ के हवाले से फैसिलिटीज़ मुहैया कर रहे हैं? क्या आपने भी जो है कैंप्स का सिलसिला शुरू किया है, फ्री कैंप्स का सिलसिला फ्लड विक्टिम्स के लिए? जी, हमारे पास हम डायग्नोस्टिक्स में भी हैं, और बेसिकली मेरी जो खुद की स्पेशलिटी है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ है, और जैसे कोविड में हमने प्लान स्ट्रेटजीज़ बनाई कि कैसे उसको कम किया जाए, और एनसीओसी के साथ मिलके काम किया, सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी काम किया। हमारे इस वक्त जी कम से कम 150 लोग जो हैं, की टीम्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में गई हुई हैं, प्रीडोमिनेंटली खैरपुर की साइड एंड मीरपुर खास की साइड पर, चाहे वो डिग्री समारोह, खिपरो, कुनरी, छोर तक गई हुई हैं, और इस तरफ भी हमारी खैरपुर के ज़िले में कोटडी जी तक गई हुई हैं। वी आर हैविंग जी डॉक्टर्स की टीम्स भेजी हुई हैं, मेडिकल सप्लाइज़ भेजी हुई हैं, लेकिन हम एक और चीज़ कर रहे हैं जी। हम ये समझते हैं कि सिर्फ आइसोलेशन में नहीं काम करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है और कैटास्ट्रोफी तो मैग्नीट्यूड उसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है हम जो काम कर रहे हैं, मसलन मीरपुर खास में डोगजी ग्रुप जो है जिसने हैदराबाद मीरपुर खास हाईवे बनाया था, इंतसार उसके दुद्दीन उसके सीईओ हैं, वो लोग भी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एम्बुलेंसेस प्रोवाइड की हुई हैं, है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी हम ऑन बोर्ड में हैं, और रोटरी इंटरनेशनल भी, ये सब फ्री, और रोटरी इंटरनेशनल भी शामिल है। तो अब क्या हो रहा है कि सबकी एक्सपर्टीज़ हम बढ़ा रहे हैं, तो हम एक प्लेटफॉर्म बन गए हैं, लेकिन उसमें और भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है जो कि उसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो हम जो हैं वो। लेकिन डॉक्टर फरहान, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, लेकिन आप कितना मेक श्योर कर रहे हैं कि ये कितने लोगों तक ये चीज़ जो है वो पहुंच रही है? क्योंकि लोगों को आपने देखा कि रूरल सेटअप में इतना कुछ पता भी नहीं होता है, इलिटरेसी वहाँ पे ज्यादा होती है, तो वो आप लोग को, अच्छा अगर कहीं कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपको अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे मलेरिया और गैस्ट्रो की बीमारियाँ बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अनफॉर्चुनेटली सिग्नल्स भी डाउन है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, असल में प्रीडोमिनेंटली तो ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, और जो कर भी रहे हैं, डीजी साहब आपके प्रोग्राम में भी आए हुए हैं। हम लोगों का काम बेसिकली ये है कि उनको रिहैबिलिटेट करना, उनके पानी के इश्यूज़ को हम सिर्फ मेडिकल साइड पे नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि उनके पानी का जो चैलेंज है, ड्रिंकिंग वाटर उनको प्रोवाइड करना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन, तो ये रेगुलर काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन तो इसके साथ साथ डायग्नोस्टिक सेट्स भी मौजूद हैं? जी जी, डायग्नोस्टिक किट्स भी हैं, हमने टेक्नोलॉजीज भी भेजे हैं जो मलेरिया, डेंगी, अच्छा आपको पता है वायरल, इसमें जब ये रेन की चैलेंजेस में ओवरऑल भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और इसके साथ क्या है कि एक तो वो बीमारियाँ मलेरिया, डेंगी, कॉलरा, टाइफॉयड, ये ज़्यादा फैल रहा है। सेकेंडली जो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है,